आंदोलन चल रहा है। आप लोगों को जानकारी कब हुई होगी, जब आंदोलन का 15वां दिन था। यह मत समझिए कि जिस दिन हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पिट रहे थे आंदोलन उसी दिन शुरू हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आंदोलन का 15वां दिन था। वो विशेष दिन क्यों था? क्योंकि विशेष व्यक्ति हम लोगों को डिग्री देने के लिए आए थे। जिनके पास खुद डिग्री नहीं है वो दूसरों को डिग्री देने के लिए जाते हैं। मुझे भी अपनी पीएचडी की डिग्री लेने के लिए जाना था। हमने कहा कि वैसे लोगों से डिग्री नहीं लेंगे जो लोग शिक्षा और शिक्षण संस्थान की हत्या करते हैं। दीक्षांत समारोह था, दीक्षा अंत हो रही थी, हम लोगों की डिग्री प्राप्त करना था। खुद जेएनयू 1000 एकड़ में फैला हुआ है। जेएनयू में कई ऑडिटोरियम हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय जेएनयू नहीं आए थे, दूसरे इंस्टीट्यूट के बिल्डिंग के ऑडिटोरियम में जेएनयू का दीक्षांत समारोह हो रहा था। क्यों? क्योंकि प्रशासन गायब था। होगा नहीं, हमारा वाइस चांसलर भी देश के प्रधानमंत्री को फॉलो करता है। देश के प्रधानमंत्री देश में नहीं रहते हैं, बीसी बीसी यूनिवर्सिटी में नहीं रहता है। वो जो है दीक्षांत समारोह के बाहर जब स्टूडेंट जमा हो गए तब तो दिखाना पड़ा, और जिन ही वो हंगामा दिखा तो जो प्रोपेगेंडा चैनल है, एक तो चैनल से बड़ा लाजवाब, हम एक लॉज में रुके हुए हैं तो वहां पर वही चैनल आता है। हम खोज रहे थे कि कुछ और मिल जाए तो मिला ही नहीं, अर्णव जी चिल्लाते हुए दिख रहे थे। अब उस चैनल को हम देख रहे थे तो एक चीज हमने नोटिस की, हमको पता ही नहीं चला कि कब न्यूज बुलेटिन चल रहा है और कब एड चल रहा है, दोनों एक ही जैसा लग रहा है। ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप लोग भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जिस तरीके से एड में झूठ बोलता है उस तरीके से न्यूज में झूठ बोला जाता है। और चूंकि वो हमारा जाति मामला है, लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा है, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूज चैनल ने कहा कि ये विद्यार्थी क्लासरूम छोड़कर के सड़कों पे क्या कर रहे हैं। तो अगर वाइस चांसलर अपना ऑफिस छोड़ करके किसी और बिल्डिंग के ऑफिस में बैठा हुआ है तब तो आपके मन में प्रश्न नहीं आया कि ये वाइस चांसलर अपना यूनिवर्सिटी छोड़कर के दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या कर रहा है। अगर वो होता अपने ऑफिस में तो स्टूडेंट को सड़क पर आने की क्या जरूरत है? आप सब सोच करके बताइए, यूनिवर्सिटी जब जाते हैं तो क्या करना अच्छा लगता है? चाय पीना, कॉफी पीना, बात करना, मिलना जुलना, दोस्ती करना, ये अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगेगा? चलो आज इंकलाब जिंदाबाद करेंगे और पुलिस से डंडा खाएंगे, ये कोई अच्छी चीज है? ये मजबूरी है। सबसे पहले हमको ये समझना, अब मजबूरी में जब पिट रहे थे तो इनको अचानक से लोगों की परेशानी याद आई, ट्रैफिक जाम का याद आ गया। ट्रैफिक जाम कल ही हुआ जब डंडा चल रहा था, उससे पहले तो इस देश में ट्रैफिक जाम होता ही नहीं है। तब ये मुद्दा नहीं था। मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि इससे आप एनआरसी को बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ट्रैफिक जाम का मुद्दा याद आ गया। फिर कहा कि फीस तो इतना कम है, फीस तो और ज्यादा होना चाहिए क्योंकि आईआईटी का फीस ज्यादा है। अब बताइए, मैंने अगर हम आपको ये कहें कि आप केला और सेब का तुलना कीजिए तो आप कर पाएंगे? केले की तुलना केले से ही की जा सकती है और सेब की तुलना सेब से की जा सकती है। सेब की तुलना आप केला से कैसे करेंगे? आईआईटी में फीस ज्यादा है, इसका यह मतलब थोड़ी है कि पूरे देश में फीस ज्यादा लेना चाहिए। उल्टे तो यह होना चाहिए कि आईआईटी की फीस भी कम होनी चाहिए। कि आईआईटी में फीस ज्यादा है इसे सब जगह ज्यादा फीस होना चाहिए। फोर्टिस में इलाज महंगा है इसलिए एम्स का इलाज भी महंगा कर दो, ये कोई तर्क? आप संविधान के द्वारा कहते हैं कि शिक्षा लोगों का बुनियादी अधिकार है, तो शिक्षा लोगों का बुनियादी अधिकार है तो यह अधिकार देना किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की जिम्मेवारी। और जहां लोग पढ़ रहे हैं पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट में तो स्वाभाविक रूप से वो टैक्स
का पैसा है। तब ये टैक्स पेयर्स को ये याद आता है कि टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। माय डियर टैक्स पेयर्स, हम लोग हाईली ऑर्गेनाइज हुए कि आपके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की, और इसीलिए पढ़ाई की है कि हम भी आपकी तरह टैक्स पेयर बन सकें। और कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई पूरी करके टैक्स पेयर नहीं बनता है? जब हम निकल करके टीचर बनते हैं, ब्यूरोक्रेट बनते हैं, तो क्या हम टैक्स नहीं देते हैं? एक ही काम हो सकता है कि बिना टैक्स पे किए हम मजा उड़ा सकते हैं अगर देश का नेता बन जाए तो। तब टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी की याद नहीं आती है जब इस देश के मुख्यमंत्री, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, 192 करोड़ में अपने लिए जेट एयरवेज खरीद लेते हैं। वो कौन चीज खरीदे? प्राइवेट प्लेन खरीदे। तब टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं होता है। तब टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं होता है जब इस देश के नेताओं को आप अगर जिंदगी भर नौकरी कर लीजिए तो न्यू पेंशन स्कीम के नाम पे आपका पेंशन बंद कर दिया गया है, लेकिन 2 दिन के लिए एमएलए बन जाए क्या सर? ठीक बोल रहे हैं, तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगा, आपके बाद आपके बीवी को भी मिलेगा। ये टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं हो गया। किसान को सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में इन बेईमानों को सब्सिडी मिलना चाहिए। जब पार्लियामेंट का कैंटीन का खाना खा करके देखिएगा, हाईली सब्सिडाइज, तो पार्लियामेंट के कैंटीन में सब्सिडी चलेगा, किसानों को खेत में सब्सिडी नहीं मिलेगा। इसी को बेईमानी कहते हैं। तब टैक्स पेयर के बिजनेस का लोगों को याद नहीं आता है जब इस देश की राजनीति के लिए अरबों खरबों रुपए बर्बाद किए जाते हैं। अभी के लिए की हालत यह है कि 100 में से 40 विद्यार्थी नहीं पढ़ पाएगा अगर ये फीस लागू की जाती है। तब क्या कहेगा? अच्छा, 10,000 का मोबाइल खरीद सकते हो, 10 रुपए का फीस नहीं ले सकते हो, तो मतलब तुम्हारा जो नफरत है वो नफरत टैक्स के पैसा को बचाने के लिए नहीं है। तुम्हारा नफरत इस बात के लिए है कि आंगनबाड़ी में काम करने वाली का बच्चा पढ़ भी रहा है, रेड़ी पटरी में फल बेचने वाला का बच्चा पढ़ क्यों रहा है, चौका बर्तन करने वाली महिलाओं का बच्चा पढ़ क्यों रहा है, और सिर्फ पढ़ ही नहीं रहा है, 5 ट्यूशन लगाने के बावजूद आपके बच्चों से अच्छा कर रहा है, आपसे कॉम्पीट कर रहा है, इसीलिए आपको पेट में दर्द होता है। और टैक्स पेयर्स के पैसे को लेकर के इतना बड़ा आर्गुमेंट है तो एक भी बताइए कि एक भी कितना नेता आपको मिला है जिसका बच्चा इस देश के विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है? पढ़ने के लिए कहा जाता है जर्मनी, लंदन, अमेरिका, तो वहां भी तो किसी का टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है। क्या ऑक्सफोर्ड किसी के टैक्स पेयर के पैसे से नहीं चल रहा है? कैम्ब्रिज किसी टैक्स पेयर के पैसे से नहीं चल रहा है? हम्बर्ग किसी टैक्स पेयर के पैसे से नहीं चल रहा है? तो दूसरे देश के नागरिकों के टैक्स पेयर के पैसे पे आपका बच्चा मजा उड़ाए और एमबीए में फेल होकर के आ जाए, फिर आप उसको नेता बना दीजिए, ये चलेगा? लेकिन देश के टैक्स पेयर के पैसे पे अगर इस देश के यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ रहे हैं, आपको बर्दाश्त नहीं है। और क्या कहते हैं नेताओं का बयान? भाजपा के एक नेता ने कहा कि सरकारी स्कूलों से नक्सली पैदा होते हैं। पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए इन्होंने आर्गुमेंट दिया कि पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो बताइए जेटली मरने के वक्त एम्स में क्या करने के लिए गया था? एम्स पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है कि नहीं है? पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट है कि नहीं है? आईआईटी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट है कि नहीं है? आईआईएम पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट है कि नहीं है? जेएनयू पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट है कि नहीं है, जिसको पिछले 3 साल से बेस्ट यूनिवर्सिटी का राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है? और तो और, मोदी जी को भी मंत्री बनाने के लिए 2 लोगों को जेएनयू से ही लेना पड़ा है। क्या बकवास है ये? मैं आपको बता रहा हूं कि डबल स्पीक क्या होता है, और डबल स्पीक को जब ये लोग देखते हैं कि पकड़े जाने वाले हैं तो फिर एक नया चाल चलते हैं। जब स्टूडेंट के इस मांग को ये लोग बदनाम नहीं कर पाए
ट्रैफिक के नाम पे, टैक्स पेयर के पैसे के बर्बादी के नाम पे, पब्लिक इंस्टीट्यूट को बदनाम करने के नाम पे, तब इन्होंने कहा कि ठीक हम फीस वापस ले लिए। ब्रेकिंग न्यूज चला अचानक से कि भरी हुई फीस वापस ले ली गई है। हमारे आसपास के लड़कों ने हमको मोबाइल में दिखाना शुरू किया, कहा भैया मुबारक हो। हम बोले क्या हुआ, ना मेरी शादी हुई है ना कोई खुशखबरी हुई है, किस बात का मुबारक। तो बोला जेएनयू का फीस वापस हो गया है। हम बोले कहाँ देख रहे हो। हम बोले न्यूज चैनल में। हम बोले सब कुछ हो गया। और जब हमने पता किया तो पता चला कि झूठ ट्वीट किया गया है। मैं चाहती हूँ बढ़ी हुई फीस वापस नहीं ली गई है। पूरे देश को पता चल गया कि बढ़ी हुई फीस वापस ले ली गई, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज आ गया है। और उसको देश में फैला करके एक नया शगुफा छोड़ा गया कि जेएनयू में विवेकानंद जी का अपमान किया गया है। अव्वल तो ये कि विवेकानंद जी का अपमान जेएनयू का प्रशासन कर रहा है। कई साल से मूर्ति बनकर के तैयार है, मूर्ति कपड़े से ढकी हुई है और उस कपड़ा को उठाने का फुर्सत नहीं है भाजपा के नेताओं को। शायद वाइस चांसलर की इच्छा हो कि प्रधानमंत्री के कर कमलों से वो मूर्ति के ऊपर जो कपड़ा है उसको उठाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री देश में होंगे तब ना, देश के विश्वविद्यालय में घूमेंगे, वो तो विदेश में रहते हैं, तो उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। उस मूर्ति के आसपास जैसे हम लोग कूल होकर के बहुत सारा बात बोलते हैं आजकल, हम वो सब बोलना नहीं चाहते, कूल होकर के हम लोग बोल देते हैं। हालांकि उस शब्द के भी अपने अलग अलग मायने हैं कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में और कितने वॉल्यूम के साथ उसको बोल रहे हैं, तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो वो शब्द वहां पे लिख दिया गया। कौन लिखा मालूम नहीं, जो लिखा वो गलत किया। हम लोग इसका समर्थन नहीं करते। स्टूडेंट यूनियन ने आधिकारिक बयान दे दिया कि हम लोग नहीं लिखे हैं और ना हम लोग इस लिखे जाने का समर्थन करते हैं। लेकिन पिछले दो दिन से दिन रात ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है कि जेएनयू में विवेकानंद जी का अपमान किया गया। ये क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि फिर आपके तक यह खबर नहीं पहुंचे कि इस देश की सार्वजनिक क्षेत्र की एक नई कंपनी को बेच दिया गया। आपके तक यह खबर नहीं पहुंचे कि इस देश के स्कूलों में एक नई बात पढ़ाई जा रही है कि गांधी की हत्या नहीं हुई थी, एक्सीडेंट हो गया था। गांधी मर्डर वाज एक्सीडेंट, ये स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। तो बोर्ड से गांधी को मारने के लिए नहीं गया था, पिस्तौल लेकर के लव एक्सप्रेस करने के लिए गया था, फिर ट्रिगर बन गया। क्या पढ़ा रहे हैं आप बच्चों? एक तरफ कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी सरकार हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो BSNL पाकिस्तानी कंपनी है कि भारतीय, BSNL का फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। पाकिस्तान संचार निगम लिमिटेड तो नहीं है। तो एक राष्ट्रवादी सरकार एक राष्ट्रीय कंपनी को क्यों बेच रही है? भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, भारतीय रेल राष्ट्र की संपत्ति है, ये राष्ट्र की संपत्ति है, तो उसके निजी हाथों में क्यों बेचा जा रहा है? BSNL का एक कर्मचारी जिसको कई महीनों से वेतन नहीं मिला था, ऑफिस में ही उसने आत्महत्या कर दी। सरकारी आंकड़ा आया है कि एक साल में 11,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। देश का किसान मर रहा है, खेत में मर रहे किसान, सीमा पे शहीद हो रहे जवान, इसीलिए आपके डाइनिंग हॉल के टीवी के प्राइम शो में दिन रात होता है हिंदू और मुसलमान, इस बात को आप समझ लीजिए।